नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे, क्योंकि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए इच्छा जताई। तो आज हम बात करते हैं सात कुंभों की तस्वीर के बारे में। हम इस तस्वीर को अपने घर में क्यों लगाना शुभ मानते हैं और काफी लोग क्यों अशुभ मानते हैं। तो आज हम बात करते हैं इस तस्वीर को लगाने के पीछे क्या कारण है, क्यों हम हिंदू इस तस्वीर को लगाते हैं। यह तस्वीर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है और इसे घर या कार्यस्थल में लगाने से वहां की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। यह तस्वीर सफलता, प्रगति, शक्ति प्रतीत मानी जाती है। वहीं घोड़े की तस्वीर लगाने से आपके कार्य में गति प्रदान होती है, जिससे आपका जीवन काफी अच्छे तरीके से चलने लगता है। वहीं सात अंक का शुभ होना भी माना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि ज्योतिषी में सप्तऋषि मंडल सात फेरे और सात ही इंद्रधनुष में रंग होते हैं, वहीं फेंगशुई भाग्यशाली सात घोड़ों की तस्वीर आपके घर में होने से धन की कमी नहीं होती, साथ ही नौकरी में उन्नति, व्यापार में तरक्की होती ही रहती है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यह माना जाता है कि यह सफेद सात घोड़े की तस्वीर घर में लगाने से, हाँ सही सुना आपने, हमको घर में सफेद सात घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। वहीं इस कारण से प्रगति और शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए यह तस्वीर घर या कार्यस्थल में लगाने के लिए अक्सर चुनी जाती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यह तस्वीर को लगाने के कुछ महत्वपूर्ण दिशाएं भी हैं। यह तस्वीर लगाने का सही दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। यदि यह तस्वीर गलत दिशा में लगी होती है तो इसका आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर में इस तस्वीर कभी लगाते नहीं है तो आप इन सभी सकारात्मक प्रभाव से वंचित हो सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है और आपके जीवन में समृद्धि और सफलता के अवसरों को प्रभावित भी कर सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सात कोणों की पेंटिंग मतलब तस्वीर लगाने से कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो यह शुभ नहीं अशुभ हो सकता है। इसीलिए यदि आप इसे अपने घर में लगाने का विचार कर रहे हैं तो आपको इसे सही दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं यह चीज इंटरनेट में भी काफी जगह बताई गई है, तस्वीर को सही जगह पे लगाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो ला सके। धन्यवाद।